ग्रेनेड, सारंग एचपी डाउन है। निंजा जॉट को आप देखें, उस खिलाड़ी की एचपी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और इन सबके बीच में आरो, उन्होंने वो नॉक निकाला, सारंग को डाउन किया गया, पर निंजा क्या उनकी पोजीशनिंग अभी तक किसी को नहीं पता? अगर नहीं पता तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे पहला फिनिश, पहला नॉक शायद निंजा को मिलता हुआ, बिकॉज पोजीशनिंग तो इनकी बहुत बखूबी थी। फिलहाल के लिए ब्रिक्स्टर्स एडवांटेज तो इनके पास है, स्प्रे गॉड पूरा खत्म हो चुके हैं, सारंग यहाँ पे नॉक डाउन हो चुके ब्रिक्स्टर्स। जब आपको पता है कि वो सामने खिलाड़ी निंजा जॉट है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, पर आप ये भी तो सोचें कि सामने वाला खिलाड़ी कितना अनुभवी है, उसके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा और आपको एलिमिनेट करने के चांसेस उसके पास 90% होगा। और वही चीज हमें देखने को मिली, जो फाइट आप आसानी से जीत सकते थे वो फाइट आप हार बैठे। 15वें स्थान पे वृक्ष उनका जो एलिमिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और अब फेमिनी फोर्स उनका जो एक रश था वो भी देखने को मिलने वाला। पर क्या बढ़िया ड्रॉप शॉट देते हैं ये सारे खिलाड़ी, और हर खिलाड़ी इतना ज्यादा मजा हुआ, पर शायद उन्होंने देख लिया उस खिलाड़ी को आसानी से एलिमिनेट किया जाएगा। 5 फिनिशर्स टीम एक्सपाक के खाते में, निंजा उन्हें डाउन किया जा चुका है, और अब केमिनी स्पोर्ट्स शैडो के अगेंस्ट लड़ते हुए, शैडो एचपी बहुत ज्यादा कम, फंस के वो खिलाड़ी रह गया फ्यूरी, वो पहले से ही तैयार। और इसी के साथ टीम एक्सपाक इस मुकाबले में 5 फिनिशर्स निकाले, पर जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो 0। जी हाँ,